everyone, how are you all? I hope you all are fine and well. Today I will explain you civics chapter number 2, role of government in health. So I will start first question. What are the different types in which the government can take steps to provide health care for all? Discuss. And the answer is, India has a large number of doctors, clinics and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge of running a public health care system. This is a system of hospital and health care run by the government. It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds and thousands of villages. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. So India mein large number of doctors hain, clinics hain, hospitals hain. Country mein experience and knowledge and skillful doctors hain. Public health care system hai. और ये जो सारा दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर जो कि गवर्नमेंट क्या करती है, चलाती है. और गवर्नमेंट में इतनी एबिलिटी है कि वो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में ये जो हेल्थ केयर क्लिनिक ये जो है वो पूरे फैले हुए हैं और हंड्रेड्स और थाउजेंड्स लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा एक एडवांसमेंट आई है मेडिकल साइंस में, वहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई हैं हेल्थ के फील्ड में, और जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है, जो प्रोसीजर्स हैं वो कंट्री में अवेलेबल है. द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? सो द आंसर इज, हेल्थ मींस आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज. हेल्थ का मतलब होता है कि एक पर्सन में एक एबिलिटी हो कि वो बीमारियों और इंजरी से मुक्त हो. थर्ड है, वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WHO? एंड द आंसर इज, द फुल फॉर्म ऑफ WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. फोर्थ क्वेश्चन है, वट आर द प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज? प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज क्या होती हैं? एंड द आंसर इज, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द इंडिविजुअली एंड ग्रुप ऑफ पीपल. जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो या तो कौन मैनेज करता है, या इंडिविजुअली लोग मैनेज करते हैं, या एक ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह खोले हैं वो लोग मैनेज करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, इन व्हाट वेज इज़ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम मेंट फॉर एवरीवन? जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो सभी के लिए कैसे है, मतलब सबको कैसे वो फैसिलिटीज़ देता है? The government has established these hospitals and health centers. Also, the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay to the government. जो government हैं उन्होंने establish किए हैं ये वाले hospital, जो government hospitals हैं, health care centers हैं और कई रिसोर्सेज हैं जिससे ये हेल्थ केयर चलते हैं. और ये जो मनी यहाँ पे लगाई जाती है ये वही मनी है जो लोग टैक्स वगैरह पे करते हैं. ठीक है, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम वी फेस्ड इन द प्राइवेट हॉस्पिटल? तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? एंड द आंसर इज, इन प्राइवेट फैसिलिटीज, इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स facilities, patient have to pay a lot of money for every services that they use. उनको हर services के लिए money देनी पड़ती है जो वो use करते हैं, चाहे वो medicines हो, चाहे वो operation होना हो, चाहे वो blood test होना हो. And the second है, as these services are run for private, the cost of these services is rather high. Medicines are very expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when there is an illness in the family.
सो ये जो सर्विसेज हैं ये प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाई जाती हैं, प्राइवेट कंपनीज इनको चलाती हैं, रन करती हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं इनका जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है, मेडिसन महंगी होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। कुछ बहुत सारे लोग हैं जो इनको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको या तो बाहर से मनी बोरो करनी पड़ती है या उनको कहीं से उधार लेना पड़ता है या कोई अपना सामान उनको सेल करना पड़ता है अगर उनकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 सिविक्स क्लास 7। इफ़ यू लाइक माई चैनल देन If you like my lecture, then do subscribe and share with your friends and do comment. Thank you and have a nice day.